दोस्तों हमारे चैनल कंप्लायंस वाला में आपका स्वागत है। आज जीएसटी डिपार्टमेंट ने टीडीएस टीसी से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने साइट पर अपलोड की है। आप देखेंगे न्यू फंक्शनलिटीज मेड अवेलेबल फॉर टीसीएस कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर के जीएसटीआर 8 के टेबल नंबर 4 में मल्टीपल टाइम्स अमेंडमेंट का प्रोविजन दिया गया है। पहले यह प्रोविजन नहीं था, अर्थात टीसीएस के गलत फाइल होने के बाद सप्लायर के द्वारा रिजेक्शन के पश्चात ई कॉमर्स ऑपरेटर सिर्फ एक बार उसे अमेंड कर सकते थे, परंतु आज जो सूचना दी गई है उसके अनुसार इस रेस्ट्रिक्शंस अर्थात अमेंडमेंट रेस्ट्रिक्शंस को अनलिमिटेड कर दिया गया है। अर्थात जीएसटीआर 8 के टेबल नंबर 4 में चाहे जितनी बार भी गलतियां हुई हो उसे करेक्ट किया जा सकता है। वैसे सप्लायर जो ई कॉमर्स के थ्रू अपना सप्लाई कर रहे थे और वो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड थे, जैसे रेस्टोरेंट इत्यादि, वो भी टीडीएस और टीसीएस को व्यू कर सकते हैं और उसके लिए जरूरी एक्शन ले सकते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपोजिशन वाले डीलर का भी जीएसटीएन जीएसटीआर 8 में फीड कर सकते हैं। टीडीएस और टीसीएस जो अमाउंट ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा कलेक्ट किया गया है एवं अपने जीएसटीआर 8 में दिखाया गया है, कंपोजिशन डीलर भी अपने रिटर्न में देख सकेंगे और गलत होने की स्थिति में उसे रिजेक्ट करके ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास अमेंडमेंट के लिए भेज सकेंगे। और जैसे ही वो एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब सही सप्लायर द्वारा चेक कर लेने के बाद भी उनका टीसीएस और टीडीएस सही कटा है और वो अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जो अमाउंट उनका टीडीएस और टीसीएस के रूप में कटा है वो उनके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टीडीएस या टीसीएस आपको कैसे दिखता है। हम लॉगिन करते हैं, सर्विसेज में जाएं, रिटर्न, और इसके बाएं तरफ देखेंगे टीडीएस और टीसीएस रिसिप्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। मंथ को सिलेक्ट कीजिए, फाइनेंशियल ईयर को सिलेक्ट कीजिए। देखिए टीडीएस और टीसीएस रिसिप्ट हमारा खुल चुका है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। दोस्तों कुछ आपको हेल्प एंड इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी आपको दिखेंगे, उसे भी सावधानी पूर्वक पढ़ लें। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि टीडीएस और टीसीएस कैसे दिखता है, इसको कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। ये देखिए क्लिक करने के बाद हमारा टीडीएस और टीसीएस रिसिप्ट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ आप देखेंगे कि एक टीडीएस हमने रिसीव किया था जिसका अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखता है। इसको यहाँ क्लिक कीजिए। अब देखिए जीएसटीएन वाइज टीडीएस का अमाउंट जो कि एक्सेप्टेड स्टेटस में है आपको दिख रहा है। अगर हमने इसे एक्सेप्ट नहीं किया होता, रिजेक्ट कर देते, तो ये वापस से ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास चला जाएगा। दोस्तों इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।